डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने डेसिमल नंबर को ऐड करने का तरीका बताया था, तो चलिए सीखते हैं डेसिमल नंबर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। सबसे पहला बात ये कि जो यहाँ पे यूनिट्स दी होती हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी वो सब्ट्रैक्ट होगा। पहली कंडीशन ये, जो यूनिट्स होती हैं वो अगर सेम होगी तभी वो दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस किलोमीटर को या तो हम मीटर में चेंज करें या तो उस मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करें, यानी कि किसी न किसी प्रकार से दोनों यूनिट्स को हमें सेम करना पड़ेगा, फिर जो दो नंबर्स आएंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड जो है इसमें याद रखना है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर दी होती है उसमें से लिखा है 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर, यानी कि 250 में से 202.54 यानी कि 202.54 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से हमें इसको घटाना है, ये ध्यान रखना है। यानी फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया होता है उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं और फ्रॉम के जो पहले तुरंत पहले दिया होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखो 250, इसके आगे हम पॉइंट लगा के जितना जीरो चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हमने जो ऐड वाला वीडियो बनाया था उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए, नीचे जो लिखा है वो राइट साइड में दिया है 5, 4, तो यहाँ पे 5 और 4, लेफ्ट साइड में जो भी दिया हो 2, 0, 2, यानी कि 1s, 10s and 100 प्लेस पर जो भी वैल्यू दी गई उसको नोट करना है और यहाँ पर माइनस कर देना है। अब यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से फिर एक कैरी, यहाँ पे यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ से कैरी जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे पहले 10 था, एक हासिल इधर गया तो यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 चला गया, कितना बचा यहाँ पे 4। अब डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे, यहाँ पे लगा दिए डेसिमल। अब यहाँ से 10 था और लेकिन एक तो इधर जा चुका तो यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 चला गया, कितना बचा 7, यहाँ से एक जा चुका तो यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ पे 4 नोट कर लेंगे और 2 में से 2 चला गया तो 0, तो हमारा आंसर आ गया 07.46। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, लिखा है 0.31 केजी फ्रॉम 2.107 केजी। देखो यहाँ पे केजी है, यहाँ पे केजी, यानी कि जो यूनिट्स हैं वो सेम है। अगर यहाँ पे ग्राम होता, यहाँ पे केजी होता तो ये आसानी से तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे दोनों जगह यूनिट्स तो सेम है, एक कंडीशन तो क्लियर है। फिर इसमें से हमें इसको हटाना है, फ्रॉम के बाद जो नंबर दी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और पहले जो नंबर दी होती है उसको उसके नीचे लिखते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हम मिला देते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी दिया हो वो हम लेफ्ट साइड में नोट कर लेते हैं, राइट साइड में जो भी हो वो राइट साइड में हम नोट कर लेंगे स्टेप वाइज। अब यहाँ से 7 वर्सेस 4 चला जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ से 0 है। अब यहाँ इसको क्या है, 10 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से कैरी गया यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 1 चला गया, यहाँ पर चलेगा 9। अब यहाँ पे तो 0 हो गया तो यहाँ से एक कैरी इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7। पॉइंट यहाँ से एक जा चुका, बचा यहाँ पे सिर्फ क्या, तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1.793, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। देखो यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ से भी किलोमीटर, तो ये सब्ट्रैक्ट आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पे 5.206 को हम ऊपर लिखेंगे तो 5.206, पॉइंट से पॉइंट मिला दो, लेफ्ट साइड में जो भी हो वो लेफ्ट साइड में नोट कर दो, राइट साइड में जो भी हो वो राइट साइड में यहाँ पे नोट कर दो। अब 6 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 5 और यहाँ से 0 है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से एक कैरी लेगा, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ से एक जा चुका तो यहाँ पे बचा के सिर्फ 1 और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए और यहाँ पे आ गया 3.155 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर है तो इतनी दूरी इसमें से, अगर इसमें से ये दूरी में से इस दूरी घटा दे तो बचेगा 2.155 किलोमीटर।